जय हिंद जय भारत दोस्तों, आज मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर वन में, जो देता है आपको बहुत ही अच्छी और रोचक भरी जानकारियां। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर आया हूं कि जैसा कि आपको भली बात ही पता है कि COVID-19 कोरोना वायरस के चलते हमारा देश अभी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और उनके पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में कटौती करने की जो घोषणा पिछले दिनों करी थी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच चुकी है। इसमें केंद्र सरकार ने बताया था कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों को उनके 3 महंगाई भत्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा जो जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में उनको मिलना था। तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता कटौती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, क्योंकि पेंशन ही है पेंशन भोगियों का एकमात्र सहारा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं नई न्यूज़ और नई अपडेट के साथ में आपके साथ में लगातार बना रहूं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता कटौती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। नई दिल्ली जागरण ब्यूरो की न्यूज़ के अनुसार महंगाई भत्ता कटौती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों को तत्काल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया जाए। यह याचिका सेवानिवृत्त मेजर ओकार सिंह गुलेरिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। रिटायर्ड मेजर ने दाखिल की याचिका में महंगाई भत्ते का तत्काल भुगतान करने का आदेश मांगने के साथ कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार को महंगाई भत्ते का भुगतान रोकने के बाद से विभिन्न कारोबार सेक्टर को आर्थिक पैकेज देने की योजना घोषित करने से भी रोका जाए, क्योंकि भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि देश की वित्तीय हालत अभी ठीक नहीं है। ईमेल के जरिए 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई इस याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री के कहे मुताबिक काम करना चाहिए, जो कहते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखो और वेतन में कटौती मत करो। सरकार की घोषणा से पेंशन भोगियों को हुआ नुकसान। रिटायर्ड मेजर ने याचिका में कहा कि वह कैंसर के मरीज हैं और दाहिने पैर से विकलांग है। वरिष्ठ नागरिक होने के साथ ही उन्हें उच्च रक्तचाप आदि की बीमारी भी है। उनके साथ उनकी पत्नी है और वे भी कई बीमारियों से ग्रसित वरिष्ठ नागरिक है। उनका अपना कोई घर नहीं, वे किराए के घर में रहते हैं और उनके गुजारे का साधन सिर्फ मेजर रैंक की पेंशन है। उनके जैसे लाखों सेवानिवृत्त लोग सरकार के महंगाई भत्ता कटौती के फैसले से पीड़ित हैं। सरकार को अप्रैल के पहले सप्ताह में महंगाई भत्ता देना था, जो कि उसने नहीं दिया, और 20 अप्रैल को महंगाई भत्ता बंद करने की घोषणा कर दी, वह भी पिछली तारीख 1 जनवरी से उसे लागू किया। सरकार की इस घोषणा से उनके जैसे सेवानिवृत्त सैनिकों को कोरोना महामारी के दौरान भी भारी नुकसान हुआ है। महंगाई भत्ता एक प्रकार से वेतन का ही हिस्सा होता है, पेंशन पाने वालों की पेंशन में इसे जोड़ा जाता है, लेकिन सरकार ने 20 अप्रैल को मनमाना और गैरकानूनी आदेश जारी कर इसे रोक दिया। महंगाई भत्ता बहाल करने के अनुरोध के साथ याचिका में कहा गया कि भारत सरकार अन्य वर्गों का ख्याल रख रही है, लेकिन ऐसा मध्यम वर्ग की कीमत पर किया जा रहा है। उनके महंगाई भत्ते में कटौती की गई है जिसके वे हकदार हैं। तो दोस्तों, ये एक रिटायर्ड पेंशनर के द्वारा दी गई याचिका है, जिसमें बताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का और केंद्रीय पेंशन भोगियों का जो DA जो महंगाई भत्ता है उसमें कटौती ना की जाए। तो देखते हैं इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, कृपया करें कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।